आपको बताते हैं कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होता है। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016, सबसे पहले हम लाइबिलिटी एसेट्स लाइबिलिटी अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। तो सेंट्री क्रेडिटर्स देखिए, सबसे पहले सेंट्री क्रेडिटर्स आपको कहाँ दिखेगा, ये देखिए सेंट्री क्रेडिटर्स लिखा है क्वेश्चन पे। तो सेंट्री क्रेडिटर्स आपको लिखा है 43,000, तो 43,000 देखिए मैंने यहाँ लिखा है। आउटस्टैंडिंग रेंट देखिए, मैंने आपको बताया था ना बेटा कि 2,000 रुपए के एडजस्टमेंट में दिया है, तो दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग पीएल में और यहाँ पे भी जाएगा 2,000। फिर मैंने लिखा यहाँ पर आरतीस कैपिटल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पे देखिए 3,00,000 है। अब इसमें क्या क्या चीजें होते हैं, तो आरतीस कैपिटल 3,00,000 है, लेकिन इसमें आरती की ड्राइंग्स भी है 20,000 की, तो मैं आरती की ड्राइंग्स इसमें क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 3,00,000 में से 20,000 चले गए 280, और फिर उसमें ऐड मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए क्वेश्चन में मैंने आपको निकलवाया था ना बेटा 18,000, मैंने उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिया 18,000। और फिर उसका नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखिए कितना था आरती का 30,000, मैंने सबको ऐड किया 280 में तो आया 328। इसी तरह मैं भारती का भी देखूंगा, भारती की सैलरी 150, मैंने 150 रख दी, भारती का ड्रॉइंग्स 10,000 माइनस किया 150 में तो 140 ऐड। अब देखिए इसमें इसकी सैलरी भी थी, आपको देखा होगा आपने यहां पर देखिए सैलरी, और सैलरी आपको एडजस्टमेंट में दिया था, तो दो जगह जाएगी, पहली बार यहां पर और दूसरी बार सैलरी, इसको मैं दे रहा हूं तो ऐड कर लूंगा 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 9,000 रुपए आपका आया था देखिए यहां पर, ये भारती का 9,000 मैंने ऐड किया। एनपी इसका मतलब नेट प्रॉफिट इसका कितना था 20,000 रुपए, मैंने 20,000 रुपए ऐड कर दिया 229, इधर का टोटल आ गया 6,00,000, इधर का टोटल आ गया 6,02,000। अब मैं इस तरफ आ जाता हूं, तो इस तरफ आपको क्या क्या चीजें दिखाई पड़ती हैं, तो आप क्वेश्चन पे देखते चलिएगा और इधर भी देखिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे हम आते हैं कैश एट बैंक 25,000 का, तो देखिए कैश एट बैंक कहां पर लिखा है, ये लिखा है बेटा कैश एट बैंक 25,000। एसेट्स होती है हमारी, हमने एसेट साइड डाला। फिर डेप्टर्स देखिए, डेप्टर्स ऊपर लिखा है 1,25,000 का, थोड़ा सा और मैं नीचे करता हूँ, सेंडी डेप्टर्स 1,25,000 का, ठीक है 1,25,000, तो सेंडी डेप्टर्स आपका 1,25,000। क्लोजिंग स्टॉक आपको देखिए एडजस्टमेंट में दिया था, तो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक जब दिया है तो दो जगह जाएगा, पहली बार ट्रेडिंग पीएल में चला गया, दूसरी बार यहां जाएगा। कंप्यूटर्स आपका कितना था देखिए यहां पर लिखा होगा, कंप्यूटर्स था आपका 50,000 का, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन लगाया गया था 10%, तो डेप्रिसिएशन को मैं माइनस कर दूंगा, ओरिजिनल वैल्यू 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग उसके नीचे 3,52,000, 3,52,000 लैंड एंड बिल्डिंग, 3,52,000 मैंने टोटल को बराबर कर दिया, तो 6,02,000 रुपए आपका आ गया, 6,02,000 एंड 6,02,000 रुपए, 6,02,000 बैलेंस शीट आपकी टोटल कर गई, बराबर हो गई। अभी भी किसी को समझ में आया हो तो प्लीज आस्क मी, ठीक है, मैंने पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है जैसे हो सके।